पार्वती सम प्रिया बनो। जिस प्रकार पार्वती अपने पति शंकर को बहुत प्रिय है, उसी प्रकार तुम पति प्रिया बनो। हे देवी सीते, हम पर सदा अपना स्नेह बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। देखो ये आशीर्वाद दो, और पति प्रिया कब बनेगी? पति को बार बार बोलना पड़े, ओ यू आर माई बिलवड एंड आई लव यू सो मच, यू आर माई यूनिवर्स, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरा ब्रह्मांड हो, ऐसा बोलने से होगा ना? उसका व्यवहार ऐसा हो कि वो पति के प्रिय हो जाए। रामचरितमानस में महाराज दशरथ के विषय में जब तुलसीदास जी लिखते हैं, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय उमति सारंग कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल बिनी। अयोध्या के राजा दशरथ धर्म धुरंधर हैं, गुण निधि है, ज्ञानी हैं, हृदय में भक्ति भी है और मति में सारंग पाणी भगवान है। उनके कौशल्यादि नारी पत्नियां हैं। कैसी हैं पत्नियां उनकी? बोले कौशल्यादि नारी कैसी? बोले प्रिय, प्रिय है। पत्नी पति के प्रिय कब होती है? बोले सब आचरण पुनीत, जब पुनीत आचरण वाली हो। ओके, पत्नी के लिए पुनीत आचरण कौन सा है? बोले पति अनुकूल, पति के अनुकूल बन करके रहे, यही उसका पुनीत आचरण। हमारे यहां तो ऐसा होता था, मेरे पिता के यहां तो ऐसा होता था, और यहां आप लोगों के यहां तो छोड़, अब तेरी जिंदगी यहां है, अब ससुराल में आई है, अब यहां के जो नीति नियम है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। इट्स लॉजिकल यार, जस्ट थिंक, यदि हम अमेरिका में जाए तो अमेरिका में इंडिया के
कानून लागू होते हैं, अमेरिकन लॉज लागू होंगे ना। इट्स सिंपल, जब तुम अमेरिका जाना चाहते हो और अमेरिका जाने के लिए तुमने वीजा के लिए अप्लाई किया है, तो फिर एक सीधी सी बात है कि अमेरिका में एंट्री आपको तब दिया जाता है कि आप अमेरिकन लॉज को फॉलो करेंगे। उसी तरह बाहर से किसी भी देश का नागरिक जब भारत की यात्रा के लिए आता है तो उसको भारत के जो कानून हैं वो मानने होंगे। जब शादी होती है, जब विवाह होता है, बात चलती है, तो आप उसके घर जाना स्वीकार करती है लड़की, तो ये सिंपल बात है, इट इज अंडरस्टूड कि मुझे उसके अनुसार रहना है, अपने आप को उसमें ढालना है, पति अनुकूल, पति के अनुकूल बन करके रहे। और पति अनुकूल का यह भी तात्पर्य है कि पति भी अनुकूल बनकर रहे पत्नी के। वो कभी कहे कि सुनो आज दफ्तर से घर जल्दी आ जाना, क्या है भूल गए आज मैरिज एनिवर्सरी है, सिनेमा नहीं ले जाओगे? अरे हाँ मैं तो भूल गया, श्योर श्योर मैं आ जाऊंगा। इस तरह पति भी अनुकूल, पति अनुकूल के दोनों प्रकार से अर्थ किए जा सकते हैं, पत्नी भी पति के अनुकूल बने और पति अनुकूल, पति भी पत्नी के अनुकूल बने। ये एक दूसरे के अनुकूल बनने की बात कब होगी? पति अनुकूल बोले प्रेम दृढ़, जब दृढ़ प्रेम हो, जब प्रेम हो। नहीं तो आजकल पत्नियां लड़कियां हमारी बेटियां तुरंत दलील करती है हम ही उनके अनुकूल बने, वो हमारे अनुकूल नहीं हो सकते क्या? ये सब लड़कियों के लिए ही है, लड़कों को कुछ नहीं करना होता। ये प्रश्न तब उठ खड़ा होता है। वेल, तुम पढ़ो अच्छी बात है, और पढ़कर तुम्हारी बुद्धि का विकास हो ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा दिल छोटा न रह जाए वरना चिंता की बात है। दिल छोटा न रह जाए। आजकल पढ़ाई इस प्रकार की हो गई है कि बुद्धि का तो विकास बहुत होता है लेकिन दिल छोटा रह जाता है। बुद्धि का विकास हो उसके साथ साथ समझदारी का भी विकास होना चाहिए, दिल छोटा नहीं रहना चाहिए। जहां प्रेम है तब आप उसमें अपने आप को ढालोगे। पति अनुकूल क्यों? क्योंकि प्रेम दृढ़, दृढ़ प्रेम है। और यह दृढ़ प्रेम कब आता है? बोले हरि पद कमल विनीत। जीवन में धर्म के संस्कार हो, देवताओं का पूजन अर्चन किया हो, तुम्हारे परिवार में ऐसे संस्कार हो, धर्म के संस्कार, भक्ति, देवों के प्रति भक्ति, वो सारी बातें हो, तब ही यह दृढ़ प्रेम पति के प्रति होता है। और दृढ़ प्रेम हो तो पत्नी पति के अनुकूल बन करके रहती है, और पत्नी जब पति के अनुकूल बन करके रहती है तो वो पति प्रिया हो जाती है।